मौसम बिगड़ा हुआ है दोस्तों। गुड मॉर्निंग सबको। दीदी यहाँ पे काम कर रही है। सुबह सुबह एकदम धूप था, अच्छा वाला धूप था। थोड़ी देर पहले मतलब 10-15 मिनट पहले, अभी मैं बारिश होने से पहले आम तोड़ने जाऊँगी। ये लोग बकेट ले लिया है, आम का अचार बनाऊँगी सोचा। कल भी धूप था बहुत सारा, लेकिन आम तोड़ नहीं पाया कल। और मिर्ची दिखाती हूँ मैं, मिर्ची पका हुआ है सुंदर सुंदर करके। ये देखिए, ये हमने दार्जिलिंग से ला के हम कोलकाता में लगाया, कोलकाता के बाद त्रिपुरा में लगाया, फिर त्रिपुरा के बाद अब शिलोंग में आके ये फल रही है। कहाँ कहाँ से आया है, और इतना टेस्टी मिर्ची है ये। वाओ, पकने वाला है सब। टेंटी ने सुंदर सुंदर हो रखा है। यहाँ पे भी आम है, इसको नहीं तोड़ेंगे हम, दूसरा तोड़ेंगे। देखो यहाँ पे छोटा सा कद्दू कोने में लगा है, हम तो इसको देखा नहीं। देखो कितना सुंदर हो रखा है। वाओ वाओ, एक बारी और भी देखना चाहते हो कहाँ लगा है। ये देखो इधर भी लगा है। टेंटे आम तो ज़्यादा नहीं है, थोड़ा थोड़ा है, इसी को तोड़ेंगे, कितना मिलता है देखते हैं। ये देखो, ये देखो आम तोड़ा मैंने, धीरे धीरे तोड़ूंगी अभी, और थोड़ा बहुत तोड़ लिया है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, आम तो थोड़ा बहुत तोड़ लिया है, अभी स्क्वाश तोड़ूंगी मैं। स्क्वाश भी वो ग्रीन नहीं है, और मतलब ग्रीन ही है, डीप ग्रीन है। आपको दिखाती हूँ मैं, बहुत सारा लगा है इधर। ये देखिए दोस्तों, काला काला स्क्वाश ब्लैक वाला में बहुत लगता है। ये देखिए तोड़ लेती हूँ एक दो। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, इतना सारा तोड़ लिया मैंने। आम से ज़्यादा तो स्क्वाश मिला है। तो लंगरन इस पेड़ में बहुत सारा आम है, यहाँ पे भी तोड़ेंगे मौका मिले तो। पूरा ये स्क्वाश का पत्ता ने पूरा घेर लिया है, और इसमें भी अच्छा अच्छा स्क्वाश अंदर लगा है। तोड़ने के लिए सोच रही हूँ मैं। ये देखिए दोस्तों, मिल ही गया मुझे स्क्वाश। ये तो थोड़ा सा ग्रीन, लाइट ग्रीन है। इन दोनों का अंतर देखिए दोस्तों। ये देखो, ये थोड़ा सा सुंदर है, और ये ब्लैकी ब्लैकी सुंदर है, ग्लेसी दे रहे हैं, है ना प्यारा सा। हाँ, अभी हम लोग पत्ता गोभी लगाने जाएंगे। पत्ता गोभी और फूल गोभी ये ले लिया है, बारिश आने से पहले लगा देती हूँ। आयो मच्छर काटा, बाप रे सब खराब हो गया, पहले का एक भी नहीं बचा। ए पैसा बर्बाद हम लोग का। अभी इधर फिर नया लगाएंगे, सब खराब हो गया है। ये पत्ता गोभी को हम लोगों ने थोड़ा सा पहले लगा लिया था, इसलिए थोड़ा सा जल्दी ख़राब हो गया। बारिश के सीज़न में लगाने से थोड़ा ख़राब होने का चांस रहता है। एक कीड़ा रहता है जो धान खेती में रहता है, वो आके यहाँ पे अंडा देता है, फिर सारा ही ख़राब हो जाता है। और कुकरी द कुक आम तीसन जोंग खिलाई कला था भाई। और मेरा हस्बैंड बुंदा बुंदी बारिश हो रहा है बोल के घर जाके क्या डायलॉग मार रहा है, आप लोग सुनना। घर में बैठे बैठे वीडियो जूम करके वीडियो बना रहा है। देखो मेरी बीवी बारिश में भी अपना चारा लगा रही है पत्ता गोभी का। पत्ता गोभी फूल गोभी का मैं बोला उसको जल्दी जल्दी आ जाओ, बारिश जोर हो रही है। लेकिन फिर भी मेरी बीवी ठीक से लगी हुई है, लगाने में दोस्तों आपको सुनाई दे रहा होगा क्योंकि बारिश हो रही है, लेकिन फिर भी मेरी बीवी लगी हुई है बारिश में। देखो फंस चुकी है ठीक से, अभी देखो बच्चा। अच्छा खासा बारिश हो रही है, देखो मेरा पत्ता गोभी को भी पानी मिल गया अभी। कैंटीन हो रहा है बारिश बारिश। देखिए कैसा बारिश हुआ है, बुंदा बुंदी बारिश होकर चला गया, और इधर उजाला हो गया। अभी एकदम से अंधेरा था थोड़ी देर पहले, 2 मिनट में बदल जाता है, 2 मिनट में।
बारिश रुक गया है, थोड़ा सा आम का अचार बनाने की कोशिश करते हो, देखते हैं उसको काट के कैसा हो रखा है। ये देखिए दोस्तों, इतना सारा काट लिया है मैंने, कुछ कुछ पका हुआ है आधा, ये सब थोड़ा ज़्यादा पका है। ये कच्चे में बहुत खट्टा है, और क्या बोलते हैं, अभी पकने वाला खा के देखा तो बहुत ही ज़्यादा मीठा है। तो अभी थोड़ा सा इसको चटनी खाएंगे और इसको इसको हम बनाएंगे अचार, बनाएंगे अचार इसका, थोड़ा सा सुखाऊंगे मैं ब्लोअर में। अभी तो बारिश भी रुक गया है दोस्तों, थोड़ी देर में आम खाएंगे। अभी ये फूल गोभी थोड़ा सा लगाना बाकी है, ये देखिए इसको नीचे की तरफ लगा के आएंगे, इसके बाद ही आम खाएंगे। यहाँ पे पहले से लगा हुआ था तो बीच में एक ये लगा दिया, बस एक ही लगाया है क्योंकि ये बाद में बड़ा बड़ा हो जाएगा। इसका पत्ता भी थोड़ा सा मैंने साफ़ सफाई कर दिया, जंगल हो रखा है, फिर से साफ़ करना पड़ेगा। ब्लू भी यार कैसे रखा, ये मैच्योर हो गया है और यहाँ पे खाने लायक एक हो गया है, तो तोड़ लेती हूँ चिली तोड़ के ले जाती हूँ यहाँ से, उठाई तुम खाक से नहीं हम मन है आज ज़्यादा देखा। इधर एक है, वहाँ पे एक है, दिखाई दे रहा है वहाँ पे, और उठा के कहा ना कुटिंग में उठा बोल चुप उठाए भाई ठंगा। यहाँ पे बहुत सारे बीन्स लगा हुआ था, बीन्स और स्क्वाश, ये ऐसे टूट गया है। ये आलू का पेड़ है, एक आलू का पेड़, और उठा ऐसे सो सब खा कर ना कहा। ये देखिए यहाँ पे थोड़ा थोड़ा खाली जगह है, यहाँ पे लगाएंगे, बीच में लगाएंगे, इसके बाद चले जाएंगे हम। ये पहले लगाया था, पहले ही ब्लॉग में है ये सब खेती किया हुआ, घास घूस भी बड़ा हो रखा है, साफ सफाई करना है। आम खाऊंगे दोस्तों अभी, फूल गोभी वगैरह मैंने लगा के आया लेकिन वीडियो नहीं बनाया, मैं फूल गोभी लगाया जो है दीदी लोग के साथ खा रहे। ये आईबन है, मीठा है ना दीदी, टेस्टी है ना, अच्छा खाओ। इसको खाऊंगे, इसको नमक मिर्ची लगा के कम हो गया ना, देखो शुं कोरमा टेस्टी है, जब कच्चा था ना बहुत खट्टा है, अभी पकने वाला है तो टेस्टी है, बहुत क्रंची भी है। जूसी भी है एकदम क्रंची, मेरे खाने के आवाज़ से पता लग रहा होगा। देखिए दोस्तों हम लोग आम भी खा रहे हैं, और यहाँ आसमान देखिए कितना सुंदर हो रखा है, और इधर हल्का हल्का ये देखिए कितना सुंदर है, वाव। और इधर पूरा ब्लू हो रखा है, ब्लू, और मेरे इधर सुंदर सुंदर फूल, वाह सच में अच्छा लग रहा है देखने में। दिन के टाइम में थोड़ा बिजी था तो मैं दिन में अचार बनाया नहीं, रात को बनाया है, तो आप लोग के साथ भी थोड़ा सा शेयर कर रही हूँ। और मैंने इस बार थोड़ा सा तेल कम ही डाला है, थोड़ा सा ड्राई ड्राई करके बनाया है, हमेशा तेल ज़्यादा हो जाते हैं तो सोचा थोड़ा ड्राई ही कर दूँ। तो दोस्तों मेरा अचार बन गया सुंदर से, ये देखिए दो डब्बा बन गया, एक छोटा में और एक बड़ा में। तो आज का ब्लॉग यही अचार के साथ एंडिंग करते हुए, मिलते हैं कल के नए ब्लॉग में, तब तक के लिए आप सबको बाय बाय और गुड नाइट। ये देखिए कल धूप में सुखाएंगे अगर धूप आया तो।